उसका नाम रबर। वो एक कार कंपनी शुरू किया, नाम उसका डकोटा कार कंपनी था। वो चाइना से कम दाम में 4 कार खरीद कर अपने शोरूम में रखा। एक दिन रबर, ये क्या एक भी ग्राहक शोरूम में नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ करना होगा सोचकर अगले दिन पेपर में इश्तिहार दिया। उस दिन सिम्हालाल नाम का पहलवान उस पेपर में एड देखकर, ओहो डकोटा कार कंपनी का रिव्यू करने के लिए चतुर और बलवान इंसान चाहिए, ये जॉब मेरे लिए ही बना हुआ है लगता है, कहकर सिम्हालाल रबर से जाकर मिला। रबर सिम्हालाल से मिलकर, आप पहलवान सिम्हालाल है ना, यहाँ पे क्यों आए, कार खरीदना है क्या? नहीं जी, इस पेपर में एड देखकर जॉब के लिए आया। आप तो पहलवान है ना जी, क्या आप कार रिव्यू कर सकते हैं? कर सकता हूँ, तो हमारे कार रिव्यू को करते हुए एक वीडियो बनाइए, उस वीडियो को YouTube में अपलोड करेंगे, क्या बोल रहे हैं? पहलवान ठीक है बोलकर उस दिन शाम को अपने साथ एक कैमरामैन लेकर आया। पहलवान कैमरामैन से, कैमरामैन मैं अब इस कार के बारे में वर्णना करूंगा, तुम मुझे शूट करते जाना। पहलवान कार रिव्यू करना शुरू किया, स्वागत है सुस्वागत है, हमारे देश में पहली बार डकोटा कार कंपनी वाले उनके प्रेस्टिजियस कार को लॉन्च किए, आपके सामने पेश कर रहे हैं, देखते हैं उनके कार के बारे में और उनके कार की खूबियां भी जानते हैं। पहले कार की खूबसूरती की ओर देख के, अरे वाह ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही क्यूट है, ठीक है फिर पहले हम जाके इसके इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं कैसा है, जानने के लिए पहले हम जाके बोनेट उठा के देखते हैं, कहकर बोनेट उठाया, बात खत्म, बोनेट अपने आप निकल गया। पहलवान अचानक घबरा गया, ये क्या ये बोनेट ऐसा निकल गया, बाप रे, और कोई बात नहीं, बोनेट के बाद साइड मिरर्स के ओर देखते हैं, देखिए ये साइड मिरर्स कितने स्लिम हैं, कहते हुए साइड मिरर के ऊपर हाथ रखा, बात खत्म, ठप करके वो मिरर टूट गया। पहलवान को क्या करना है पता नहीं चला, साइड मिरर का काम हो गया है, अभी हम डिक्की के पास जाते हैं। अभी डिक्की के पास आते ही हमें लगेज रखने के बहुत जगह की जरूरत होने के कारण, देखिए ये डिक्की कितना लंबा है, कहकर डिक्की ऊपर उठाया, बात खत्म, वो डिक्की अपने आप बाहर निकल गया। ये क्या जो पकड़ता हूँ वही निकलता जा रहा है, सोच के प्रिय दर्शकों, बोनेट निकल गया, साइड मिरर फूट गया, डिक्की निकल गया, इसके लिए कुछ मत सोचिए, ये रीयूजेबल करने के लिए होगा, मैं अब इस कार में बैठने जा रहा हूँ, देखिए आप ही बोलेंगे वाओ। वैसे पहलवान कार में बैठते ही वो कार के ब्रेक्स टायर्स के साथ सब उखड़ गए, उससे पहलवान को क्या बात करना है समझ में नहीं आया। हेलो व्यूवर, देखा ना हमारे डकोटा कार कंपनी के रिव्यूज, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिना भूल के बेल आइकॉन भी दबाइए। वैसे उस वीडियो को पहलवान रबर को दिखाया, रबर उस वीडियो को देखकर शॉक हुआ, इस वीडियो को कहीं पे भी लीक मत करना, उस चाइना वाले पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, मुझे अक्कल आया। वो क्या वीडियो YouTube में अपलोड करने के लिए बोले थे ना, इसलिए कर दिया, आप ये आप YouTube में ही देख रहे हैं, देखिए कितने कम समय में कितना ज्यादा रिस्पॉन्स आया है, क्या हुआ अपलोड कर दिए, कहकर चक्कर खा के नीचे गिर गया। एक गांव में रघु नाम का ऑटो रिक्शा वाला हुआ करता था, उसका ऑटो एकदम खटारा हो चुकी थी, कब शुरू होता है कब बंद होता है उसी को नहीं पता, लेकिन रघु नया ऑटो नहीं खरीद पाने की वजह से हर दिन उसे मैकेनिक के पास ले जाता था। एक दिन मैकेनिक, अरे भाई तुम और तुम्हारा ये ऑटो महान है, कुछ एक दो पार्ट खराब होते तो रिपेयर कर सकते थे, हर बार सारे के सारे पार्ट रिपेयर करना मुझसे नहीं होगा, अब इसे कबाड़ी वाले को नहीं बेचा तो तुम्हें मारकर मैं भी मर जाऊंगा। रे ऐसे मत कहो रे, मेरे परिवार को पालने के लिए ये ऑटो ही जरिया है, इस बार के लिए कुछ करो, जल्दी ऑटो बदल दूंगा तुम्हारी कसम। क्या मुझ पर कसम खा लिए हो, यानी तुम ऑटो बदलोगे नहीं और मेरा मरना निश्चित है। फिर रघु प्रयाणिक को बिठाकर उस ऑटो में बगल वाले गांव जा रहा था, ऑटो अचानक एक जगह पर रुक गई, प्रयाणिक बाहर उतरे,
क्यों भाई, हर दिन विनती करते करते ऑटो में बिठा देते हो, नंबर वन कंडीशन में है अब नहीं रुकोगी कहते हो, फिर लाकर यू बीच रास्ते में छोड़ देते हो। अब से तुम्हारा ऑटो चढ़े तो हमें चप्पल से लेकर मारो। इतने में भुवन नाम का आदमी ऑटो लेकर वहाँ आया। भुवन उनसे कहा था ना कि उसके ऑटो में मत चढ़ो, कितनी बार कहा कि मेरे ऑटो में ही ऐसे तैसे एडजस्ट करके बैठ जाओ, लेकिन आप लोग तो सुनते नहीं हो। आइए अंदर बैठे हुए लोगों के गोद में बैठे, आइए आइए अंदर आइए आइए आइए। सारे लोग भुवन के ऑटो में ऐसे तैसे बैठकर चले गए। उस दिन से रघु के ऑटो में लोग बैठना बंद कर दिए। इस तरह रघु हर दिन खाली हाथ ही घर आता था। क्या जी, आज भी सामान नहीं लेकर आए? बच्चे सुबह से बिना खाने के भूखे पेट हैं। आसपास के लोग उधारी भी देना बंद कर दिए। ऐसे चलेगा तो कैसे जिएंगी जी, कहते हुए रोने लगी। रो मत, इतने दिन हम हमारे ऑटो पर भरोसा करके जिए, अब लगता है बेचारा उसका अंत आ ही गया है। मैं पहले जाकर कबाड़ी वाले के पास ऑटो बेचकर घर के लिए सामान लेकर आता हूँ, बाद में कोई भी कूली वाला काम कर लूंगा, तुम घबराओ मत, कहते हुए चला गया। रघु ऑटो को धक्का मारते हुए जा रहा था। इतने में एक मुनि उसे रोककर, बेटा क्या मुझे जरा दुर्गापुर तक लेकर जाओगे? क्या दुर्गापुर? ये ऑटो में ये तो चालू भी नहीं होता है स्वामी, इतना दूर आपको नहीं ले जा सकता स्वामी, मुझे माफ कीजिए। तो फिर एक काम करो बेटा, कहकर एक छतरी निकाला। ये छतरी खोलकर ऑटो के ऊपर लगाओ। छतरी को क्या ऑटो पर लगाना है स्वामी, कहते हुए उस छतरी को खोला। बस वो एक बड़ा जायंट अम्ब्रेला बन गया। रघु दंग रह गया। फिर रघु उस जायंट अम्ब्रेला को ऑटो के ऊपर लगा दिया। दोनों ऑटो में बैठे, बस वो छतरी ऑटो को ऊंचाई पर ले गई। ऑटो हवा में उड़ने लगा। उसे देखकर लोग हैरान रह गए। फिर वो छतरी ऑटो को दुर्गापुर ले गई। मुनि ऑटो से उतर के, मुझे मुफ्त में ऑटो में बिठाने के लिए ये छतरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब से तुम और तुम्हारा परिवार शांति से जियो बेटा, रघु उन्हें शुक्रिया अदा किया। उस दिन से वो गांव वाले रघु के ऑटो में खुशी से बैठने लगे। ऑटो के ऊपर मैं भी कहते कहते बैठने लगे। वो अम्ब्रेला उन्हें हवा में ले जाकर उन्हें उनके गांव पर छोड़ देता था। फिर रघु उस अम्ब्रेला को रिवर्स में घुमाकर केले के गुच्छे लाता था, उन्हें समुन्द्र से दूर रहने वाले लोगों तक पहुंचाता था। इससे उस गांव में केले के व्यापारी बहुत खुश हो जाते थे। इस तरह रघु अच्छे पैसे कमाकर अपनी पत्नी को दिया करता था। भगवान ने हम पर ऐसी कृपा की है। इस दौरान भुवन रघु से निंदा करने लगता। किसी भी तरह उस मायावी छतरी को छुड़ा लेना होगा, सोचता था। एक दिन जब रघु के घर पर कोई नहीं था तो भुवन जाकर उस मायावी छतरी को चुरा कर बदले में कोई साधारण छतरी रख दिया। फिर भुवन उस जायंट छतरी को अपने ऑटो पर लगाया। फिर ऑटो में बैठकर, हाँ आइए भाई आइए, आपको सिर्फ दुर्गापुर या चंपापेट नहीं बल्कि सीधा अमेरिका इंग्लैंड तक लेकर जाऊंगा, आइए जल्दी आकर बैठिए, यूं पुकारता था। लोग उस ऑटो के पास आने के पहले ही वो ऑटो हवा में ऊपर उठा। अरे रुक, इतनी जल्दी क्यों उड़ रही हो, लोगों को बैठने तो दो। वो छतरी ऑटो को लेकर जाकर रेल पटरी पर रख दी। ये क्या, यहाँ क्यों रखा, कहते हुए घबरा गया। वो छतरी घूमकर रघु के पास चली गई। इतने में ट्रेन आने लगी। भुवन ऑटो को चालू करने की कोशिश किया, वो चालू ही नहीं हो रहा था। ट्रेन बहुत करीब आने की वजह से वो ऑटो से उतरकर भाग गया। ट्रेन आकर उस ऑटो को मारकर चली गई। हाय राम, मेरा नया ऑटो, ज्यादा की लालच में जो था वो भी खो दिया रे। पीयूष नाम का व्यापारी एक जंगल में पेट्रोल बंक खोला। उस पेट्रोल बंक में जॉब है सोच के त्रिपाठी नाम का व्यक्ति एड्रेस लेकर आ रहा था।
पेपर में दिए एड में मैप होने के वजह से उस मैप को देखकर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। आखिर में वो उस पेट्रोल बंक में पहुंचा। पैदल चल चल के थक गया त्रिपाठी। पीयूष से, क्या है सर ये पेट्रोल बंक? बोले तो कोई सिटी में, टाउन में, नहीं तो छोटे से गांव में होगा सोचा। आप क्या सर इस घने जंगल में बंक बनाए? यहाँ पे आके पेट्रोल डीजल कौन डलवाएगा सर? ऐ, तू काम करने के लिए आया या सवाल पूछने के लिए? कोई भी धंधा खोलने से पहले मुनाफे के बारे में 2 साल पहले ही सोचना जरूरी है। इस आजू बाजू के हर गांव में पेट्रोल बंक बहुत हैं। उनके साथ अगर टक्कर लेंगे तो मुनाफा ज्यादा नहीं होगा। जल्दी ही इस जंगल को काट कर हाईटेक सिटी, उसके बगल में एयरपोर्ट खोलने जा रहे हैं, कहकर मुझे MLA का PA ने बताया। इसलिए आगे की सोच रख के यहाँ पे पेट्रोल बंक डाला। वो काम अगर शुरू हुआ तो ट्रक्स, क्रेन, कार, जीप, आखिर में हवाई जहाज तक हमारे ही पेट्रोल बंक में आएंगे। तब हमारा पेट्रोल बंक इस देश में ही नंबर 1 पेट्रोल बंक बनेगा। तब तक धंधे में नुकसान भी होगा तो चलेगा। सर आप मामूली इंसान नहीं है सर, आप तो महान हैं। आपके पास से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन तब तक मुझे तनख्वाह देंगे ना? तेरे तनख्वाह कहीं नहीं जाएगा। रोज इस बंक को ठीक से धोकर ठीक से साफ करना। मैं हर महीने में एक बार चेक करने आऊंगा, संभाल कर रहना। डर के मारे त्रिपाठी, मतलब सर इस जंगल में मुझे अकेला रहना होगा? अकेला क्यों तू रहेगा, इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, उनके साथ आराम से खेल कूद कर टाइम पास हो जाएगा, कहकर चला गया। तब त्रिपाठी, क्या हुआ? जंगल के जानवरों के साथ खेलना है, कूदना है तो टाइम पास होगा, पैसों के लिए आके यहाँ पे फंस गया। क्या करे, काम भी तो जरूरी है, सब मेरी फूटी किस्मत है, सोचा। एक महीने के बाद पीयूष आया। क्यों रे, सब ठीक ठाक है ना? तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तू इस जंगल में मस्त एंजॉय कर रहा है। एंजॉय क्या, मैं खाक करूंगा साहब। यहाँ पे रोज बाघ और शेर आकर पेट्रोल की खुशबू सूंघ कर यहाँ पे पेशाब करके जा रहे हैं। उन्हें देखकर मेरा भी पेशाब निकल रहा है। अरे वो देखिए, शेर आ रहा है। शेर को देखकर पीयूष कार के अंदर जाके बैठ गया। वैसे 1 साल बीत गया। एक बार पीयूष उदास होकर पेट्रोल बंक में आया। तब पीयूष त्रिपाठी से, सब कुछ खत्म हो गया रे, वो पीए मेरे पास 10 लाख हड़प के झूठा इन्फॉर्मेशन दिया। यहाँ पे कोई IT पार्क, एयरपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं खुल रहे। मेरे पास जितना भी पैसे थे वो सब इस पेट्रोल बंक में डाल दिया। अब इसे खरीदने वाला भी कोई नहीं होगा। अब मैं और मेरा परिवार सड़क पे आ जाएंगे। त्रिपाठी को पीयूष को देखकर बहुत बुरा लगा। मुझे बहुत दिनों से एक ख्याल था, पेट्रोल डीजल का हम होम डिलीवरी कर सकते हैं। वैसे बहुत लोग उनके बाइक कार में अचानक पेट्रोल खत्म हो जाने के वजह से परेशान होते हैं। वैसे लोगों को वो जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे जाके पेट्रोल डीजल मार सकते हैं। इसके लिए ज्यादा पैसा खर्चा भी नहीं होगा। मुझे एक रिक्शा, एक ड्रम खरीद के दे दीजिए बस। पीयूष को आइडिया पसंद आया। अगले दिन से त्रिपाठी पेट्रोल बंक से उस रिक्शा में जो ड्रम है उसमें पेट्रोल डाला। आजू बाजू के गांव में जाकर, पेट्रोल बाबू, पेट्रोल, आप लोगों को पेट्रोल के लिए ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरी नहीं है। आपके घर पे आके पेट्रोल मार के आप जहाँ पे हैं वहीं पे आके पेट्रोल मारेंगे। मिलावट कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेंगे। बहुत लोगों को वो आइडिया पसंद आकर बाइक्स में, कार्स में पेट्रोल डालना शुरू किए। जल्दी पीयूष एक ऐप तैयार किया। लोग उस ऐप में अपना लोकेशन डालते ही बस वो जाके उनके रहे जगह पे जाके पेट्रोल डीजल मारा करता था। कुछ दिनों में ही पीयूष का व्यापार बहुत बढ़ गया, मुनाफा भी आने लगा। एक दिन पीयूष त्रिपाठी से, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, मैं अपने मुनाफे में से 20% तुम्हें दूंगा। त्रिपाठी बहुत खुश हुआ।